एक्चुअल में हिंदू राष्ट्र की अगर बात की जाए तो हिंदू राष्ट्र है क्या? कुछ भी नहीं है। हिंदू का तो धर्म को मान्यता भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हिंदू शब्द का अर्थ जो अगर मैं लगाऊं, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि हिंदू तो भारतवासियों के लिए जहर है। वो जहर कैसे है? क्योंकि देखिए, जब हमारे सिख धर्म में अगर आप एक सर्वे करा लीजिए, ठीक है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 95% लोग ये कहते हैं हमें मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन 5% लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हमें डर नहीं लगता। या तो वो लोग झूठे हैं, या फिर उनमें से 2 या 3% लोग ये कहेंगे हमें मौत से डर नहीं लगता। ये लोग कौन है? वो सरदार कौम है, वो सिख समाज है, वो गुरु नानक देव जी के सिख है, जो कभी जो बुराई के लिए लड़ने से नहीं डरते और मौत से भी जो है उनको डर नहीं लगता। आज आप पूरे भारतवर्ष से हमारे इंडिया गेट पे जो लोग हैं वो सेल्फी लेने आते हैं, वहां पर जो है ज्योति को जो है वो सलाम करने आते हैं, लेकिन कभी किसी ने ध्यान दिया है कि 75% सिख समाज की शहादतें वहां है? ये लोग भूल जाते हैं। फिर किस हिंदू राष्ट्र की बात भारत के प्रधानमंत्री करते हैं? किस हिंदू राष्ट्र की बात आरएसएस वाले करते हैं? मैं नहीं मानती है हिंदू राष्ट्र बनाना ठीक है, और मैं खुद आज कहना चाहती हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ। ये कहते हैं गर्व से हिंदू है, मैं हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि हिंदू शब्द का अर्थ फारसी में चोर होता है, और मैं इस भारतवर्ष में चोर नहीं हूँ। मैं अगर हूँ तो मैं सनातनी हूँ, और सनातन धर्म जो है ना, सनातन धर्म के लिहाज से अगर देखा जाए, मेरे सनातन भाइयों को बहुत जल्दी इस चीज की अकल आ जानी चाहिए कि ये जो लोग आप लोगों को लड़वा रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है इसको वो राष्ट्र बनाएंगे, इस चीज की जरूरत नहीं है। हमें खालसा राज की जरूरत है, जो बहुत पवित्र, हमारे सभी लोगों के लिए समान राज हो।